कैसे हो, हमारे YouTube सकलैनी सोलर चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखलाऊंगा कि हमारा 180 वाट का पैनल है, इसको 12 वोल्ट कैसे करते हैं और 12 वोल्ट क्यों करते हैं, 12 वोल्ट का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी रिव्यू करके दिखाऊंगा, पूरी टेस्टिंग करके यहाँ पे दिखला देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको दिखला देता हूँ हमारा 12 वोल्ट का कौन सा पैनल हो सकता है और कौन सा पैनल नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, हमारे जिस पैनल में 72 सेल होंगे वही हमारा 12 वोल्ट होगा, जिस पैनल में 60 सेल या 36 सेल होंगे वो हमारा पैनल 12 वोल्ट नहीं होगा, ऑलरेडी 12 वोल्ट चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी पहले यहाँ पे इसका सेल चेक करिए, सेल गिन कर दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने सेल हमारे पैनल के अंदर है 12 वोल्ट, तभी हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये तो फ्रेंड्स मैं इस सेल की यहाँ पे पूरी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे कितना बड़ा सेल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इतना बड़ा यहाँ पे सेल है एक सेल, तो इसको हम गिनते हैं कि पूरे हमारे पैनल में कितने सेल निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसको पूरे यहाँ पे सारे सेल गिन के दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने सेल हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, हम इसकी अब काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12। तो फ्रेंड्स, हमारी जो एक लाइन है, ये एक लाइन हमारी एक लाइन में 12 सेल हैं। अब इसके हम लाइन को गिन लेते हैं कि हमारी कितनी लाइन पैनल के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 72 सेल हैं हमारी, एक हमारा सोलर पैनल है, एक पैनल में हमारे 72 सेल है। अब इसको 12 वोल्ट कैसे करते हैं, पहले हम इसका 24 वोल्ट का करंट दिखला देते हैं यहाँ पे, फिर 12 वोल्ट करने के बाद हमारा करंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता, इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे डिजिटल मीटर है। अब इसको यहाँ पे पहले मैं आपको इसका यहाँ पे 24 वोल्ट में करंट दिखला देता हूँ यहाँ पे कितना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मीटर है, अब मीटर को यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 180 वाट का यहाँ पे पैनल है। अब मैं इसको पहले 24 वोल्ट का करंट आपको दिखलाऊंगा, फिर मैं इसको 12 में दिखलाऊंगा कि 12 वोल्ट कैसे करते हैं और 12 वोल्ट में हमारा कितना दुगना एम्पीयर करंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर अभी मीटर ऑन है, ऑफ है। अब मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, पहले वोल्टेज चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वोल्टेज पे लगा दिया है, अब मैं इसके वोल्टेज चेक करके दिखला देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसके बोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं लगभग 39 वोल्ट, यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पे बोल्ट आ रहे हैं। अब इसका यहाँ पे मैं एम्पियर चेक करके दिखला देता हूँ यहाँ पे कितना एम्पियर इसका आ रहा है। फ्रेंड्स, हम सॉकेट को इधर करते हैं, अब इसको एम्पियर से नापते हैं कितने यहाँ पे हमारे एम्पियर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे एम्पियर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एम्पियर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे अच्छे एम्पियर यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे मीटर में इस टाइम 4 एम्पियर 68.69 यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ पे इसका ज़बरदस्त करंट मिल रहा है 24 वोल्ट में। अब फ्रेंड्स, मैं इसकी शॉर्ट सर्किट दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसकी शॉर्ट सर्किट कैसी है। इसकी शॉर्ट सर्किट भी बहुत अच्छी शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी बहुत ही काफ़ी दमदार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो फ्रेंड्स, 12 वोल्ट करते हैं, अब इसको 12 वोल्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा एक पैनल जो होता है वो 24 वोल्ट का ये पैनल है। अब हमारे पास 24 वोल्ट के यहाँ पे दो बैटरी नहीं है, एक बैटरी है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे कि दो बैटरी का करंट एक में को देगा तो जल्दी तेज फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसको 12 वोल्ट करता हूँ। तो गाइस, करते हैं अब इसको 12 वोल्ट कैसे करते हैं, मैं इसको पूरी यहाँ पे पूरी रिव्यू करके दिखला देती हूँ। यहाँ पे हम 12 वोल्ट अब इसको कर रहे हैं। गाइस, आ चुके हैं हम जंक्शन बॉक्स की तरफ। इसमें जंक्शन बॉक्स में इसके यहाँ पे टाके लगा के दिखा देते हैं यहाँ पे इसमें कैसे टाके लगने हैं। तो गाइस, यहाँ पे 4 फेस दिए हैं, अब हमको कौन सा फेस यहाँ पे कट करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे 36 सेल इधर कर दिए हैं और 36 सेल यहाँ पे इधर कर दिए हैं, यहाँ पे दोनों वहाँ से वायर ले ली है। अब यहाँ पे गाइस, हमारे यहाँ पे पूरी यहाँ पे दोनों वायर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये वायर लगानी किस जगह है, मैं यहाँ पे पूरी वीडियो में आपको टेस्टिंग यहाँ पे करके दिखला देते हैं यहाँ पे।
गाइस ये अब 12 वोल्ट हो चुका है। अब इसका यहाँ पर करंट बढ़ा है या दुगना हुआ है करंट या नहीं हुआ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे अब इसको नापते हैं, इसका करंट दुगना हुआ है एक बैटरी का हो गया या नहीं हुआ। अब इसको यहाँ पर पूरी वीडियो में दिखाऊंगा मैं। अब इसको यहाँ पर नापते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे अब अपना 12 वोल्ट का पैनल कर लिया है। अब इसके कितने एम्पीयर आ रहे हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितना यहाँ पर करंट आ रहा है, पूरा यहाँ पे अब टेस्टिंग करके दिखलाऊंगा। तो गाइस देर न करके यहाँ पे अब मैं इसकी यहाँ पे इसका करंट आपके यहाँ पे दिखला देता हूँ, यहाँ पे कितना करंट इसका आ रहा है। तो गाइस इसको कर लेते हैं यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में जिस तरह हमारा पैनल होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हमारा लगभग इतना यहाँ पे स्ट्रक्चर में पैनल होना चाहिए। अब इसको मीटर को कर लेते हैं ओन। पहले हमारे कितने वोल्टेज आ रहे थे, हमारे पहले वोल्टेज आ रहे थे 38-40 वोल्ट यहाँ पे आ रहे थे। अब मैं इसके वोल्टेज ही चेक करके दिखला देता हूँ यहाँ पे कि कितने हमारे वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे इसकी लीड मैंने यहाँ पे देखो वायर भी लगा दी है, वायर लगा दी है। ये 12 वोल्ट हमारा बन चुका है। अब इसको मैं इसके वोल्टेज चेक करके दिखलाऊंगा यहाँ पे पहले कितने वोल्टेज आएंगे। यहाँ पे मीटर को ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कितने वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। मीटर को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब ये पैनल की हमारी लीड है, पैनल की ये हमारी अब लीड है। अब इसको यहाँ पे लीड को प्लस में प्लस लगा देते हैं, माइनस में माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। तो गाइस हमारे 20 वोल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जो एक बैटरी के लिए 20 वोल्ट होते हैं। हमारे वोल्ट यहाँ पे 18 से 20 21 तक यहाँ पे वोल्ट होते हैं, 22 वोल्ट भी होते हैं। तो हमारा एक बैटरा अच्छी तरह भर जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारे वोल्टेज बढ़िया आ रहे हैं। अब इसके मैं एम्पियर चेक करके दिखलाऊँ यहाँ पे, अब एम्पियर कितने आते हैं। तो गाइस मैं मीटर को कर लेता हूँ यहाँ पे एम्पियर पे, और इसके एम्पियर देखते हैं दुगने हुए या नहीं हुए। तो गाइस हमारे यहाँ पे एम्पियर भी दुगने हो चुके हैं, पहले एम्पियर थे कुछ और, यहाँ पे अब दुगने हम पर हमारे एम्पियर हो चुके हैं। हमारे एम्पियर आ चुके हैं 8 एम्पियर। तो गाइस हमारे 8 एम्पियर आ चुके हैं, 8 एम्पियर 90.93.9 एम्पियर हमारे गाइस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पे एम्पियर बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये हमारा 12 वोल्ट हो चुके हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।